आज की हमारी कहानी प्रेरित करती है अपने रिजेक्शन को सिलेक्शन में बदलने के लिए। हैरी पॉटर, इस नाम से हम सभी भली भांति परिचित हैं। हैरी पॉटर सीरीज की फिल्में ब्रिटिश नॉवलिस्ट जेके रोलिंग के फैंटेसी सीरीज हैरी पॉटर पर बनाई गई हैं। भले ही जेके रोलिंग आज दुनिया की फेमस राइटर्स में से एक हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में बुरा दौर भी देखा है। न जाने कितनी रुकावटों, दुखों और तकलीफों के बीच रोलिंग खुद को एक नॉवलिस्ट, एक फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर के रूप में एस्टेब्लिश करने में सफल हुई। रोलिंग का जन्म 1965 में इंग्लैंड के येत शहर में हुआ था। उनके फादर एयरक्राफ्ट इंजीनियर और मदर साइंस टेक्नीशियन थी। जब रोलिंग 4 साल की थी, तब उनकी फैमिली येत के पास एक गांव विंटरबॉर्न में सेटल हो गई थी। बचपन से ही रोलिंग को कहानियों में रुचि थी। वो फैंटेसी स्टोरीज लिखकर अपनी छोटी सिस्टर डियाना को सुनाती थी। रोलिंग की टीनेज लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी रही। उनकी मदर मल्टीपल सेलोरिसिस की पेशेंट थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। रोलिंग का अपने फादर के साथ ज्यादा अच्छा तालमेल नहीं था। उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और वो पुर्तगाल में आकर इंग्लिश पढ़ाने लगी। फिर उन्होंने टीवी जर्नलिस्ट जॉर्ज अरांट से शादी कर ली। शादी के 13 महीने बाद उनके पति ने 1 महीने की बेटी के साथ रोलिंग को घर से निकाल दिया। ये उनके जीवन का बहुत ही पेनफुल फेज था। ऐसे दौर में उन्हें हैरी पॉटर पर आधी लिखी मैन्यूस्क्रिप्ट में उम्मीद की किरण नजर आई। 1995 में रोलिंग ने एक पुराने टाइपराइटर पर हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन की मैन्यूस्क्रिप्ट पूरी कर ली, जिसे कई लिटरेरी एजेंट्स और पब्लिशर्स के पास भेजा। सबने ये मान के रिजेक्ट कर दिया कि बच्चों की फैंटेसी कहानियों में दम नहीं होता। 12 रिजेक्शन के बाद भी रोलिंग ने हार नहीं मानी। फिर ब्लूम्स बेरी पब्लिशिंग हाउस के चेयरमैन इसे छापने को राजी हो गए। इसके बाद यह नॉवल बेस्ट सेलर बन गया। इस सीरीज के अलावा भी रोलिंग ने कई बुक्स लिखी। उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये थी जेके रोलिंग की रिजेक्शन को सिलेक्शन में बदलने की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ और नया कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप उसे देख पाएं।